कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये ख्याल दिल में क्यों, दिमाग में क्यों नहीं आता? अरे बेकार घटिया अनसब्सक्राइब। और भाई लोग समझ बढ़े तो यार, हमारे इंडियन यूट्यूब पर तीन जातियां पाई जाती हैं, टेक्निकल, वाइनर्स एंड रोस्टर्स। और ऐसा कहा जाता है जो वाइनर्स होते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, टेक्निकल वालों को डिपेंड करता है कि उनके कर्म कैसे, और रोस्टर्स तो सीधा नरक। और मेरे भाई जो दोनों ट्राई करते हैं ना, वाइन्स एंड रोस्टिंग, वो कहीं के नहीं रहते। अब देखो एक वाइनर और एक रोस्टर में फर्क क्या है, जितने भी वाइनर्स है ना वो एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करते हैं, तालियां बजाते हैं, और वहीं रोस्टर्स एक दूसरे के काम को गालियां देते हैं। और कोलैब तो भैया भूल जाओ, मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स है, तेरे 1,000 सब्सक्राइबर्स नहीं है, मेरे साथ कोलैब करेगा तू? और ऐसे ही होते हैं टेक्निकल वाले, वो भी एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे के काम की तारीफ करते हैं, सर सर बोलते हैं, मतलब एक तहजीब होती है। और वही रोस्टर्स को देख लो, सर तो गया तेल लेने, तेरी हिम्मत कैसे हुई बहन। वाइनर्स और टेक्निकल वाले आपस में काम करते हैं और अपने रोस्टर्स तो आपस में ही भिड़े बैठे हैं। भाई आजकल तो कोई किसी को सपोर्ट भी नहीं कर सकता, कहां से स्ट्राइक आएगी, कहां से वीडियोस डिलीट होंगी पता भी नहीं चलेगा। और तुम रोस्टिंग कम्युनिटी की हालत तो देख ही सकते हो, मतलब बर्बाद, मतलब यार खुद कुछ भी करेंगे, किसी को भी कुछ भी बोलेंगे, और इनको जरा सा कुछ बोल दो तो बोलते हेटर हेटर जलता है मेरी सक्सेस से। अब यार देखो इंडियन रोस्टर्स ना बस एक दूसरे की जलाना चाहते हैं कि देख मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर है, तू जल मेरे से, और ड्रामे तो भाई साहब क्या कहने। तो यार बस, और यार तुम लोग भाई मेरे दो वीडियोस डाल दी, अब डर है कि अगले साल वीडियो ना मिले, क्या बात है, मतलब मजे लेने हैं। तो यार मैं